Good morning, friends. A warm welcome to all of you to in our new session of Digital Gurukul. Digital Gurukul में श्रीकांत, मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आजकल लगभग सभी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो गेट हो, PSU हो, SSC, JEE या रेलवे हो, या कोई भी स्टेट PSC हो, सारे एग्जाम्स में, या आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो, आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 1-2 पूछे जाते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस की नॉलेज आप लोगों को हो. तो चलिए, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ के साथ आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ. आप लोग चाहे वो विजय विस्टल की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोग जरूर उसे अंत तक देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इक्वल टू 50 ऑफ रेडियस 9×10⁻¹⁵ मीटर इज कितना होगा, ठीक है? आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने नोटबुक पे और देखिए आप लोग सही है या गलत. इसके अनुसार से आप लोग अपने जजमेंट कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है. ऑप्शन ये है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए. तो सही आंसर जो है इसका ये है 8×10⁻⁶ वोल्ट. ये वोल्ट होगा, ठीक है, 8×10⁻⁶ वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एयर होता है, उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो आप लोगों को पता होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यूनिट जो इसमें होता है, ठीक है, यूनिट चार्ज ऑफ एयर में एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीजन सराउंडेड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज, अगर कोई रीजन स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल डाइपोल से सराउंडेड हो तो वो रीजन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ओनली होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, या नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो सही आंसर जो है इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, अगर किसी सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है तो सोप बबल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, या नॉन इंक्रीज होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो सोप बबल का रेडियस इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज इट्स मास, अगर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर जो है, जब पहले क्वेश्चन मैंने सोप के बारे में देखा था, सोप बबल के बारे में, इस क्वेश्चन में क्या है, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज, अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो उसके मास में क्या अंतर पड़ेगा, मास इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा, मास रिमेन सेम होगा, या मास इज नॉट इन्वॉल्व होगा? तो सही आंसर क्या है इसका, मास इज डिक्रीज, अगर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो उसका मास डिक्रीज होता है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अगर किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल चार्ज होगा, या आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल होगा और ये मैग्नेट होगा, कैसा होगा, ठीक है? आप लोगों को बताना है, तो वो जो होगा आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल होगा, तभी अपोजिट चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तभी आप पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या तो न्यूट्रल होगा, ठीक है? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, आप लोगों को पता होगा इस बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इज, इक्विपोटेंशियल लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू के कारण क्या होगा, मतलब उसका इक्विपोटेंशियल लाइन का जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कल होगा या एलिप्स होगा ये, या हाइपरबोला होगा? तो वो क्या होगा, एक सर्कल का पाथ फॉलो करेगा, इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज ए सर्कल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रे इज मूव, जब एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो उस समय कैथोड रे कैसे मूव करता है, डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अप द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अलोंग ए हाइपरबोलिक पाथ और अलोंग ए सर्कुलर पाथ, कैसे मूव करता है आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो आंसर होगा अप द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब
ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है सब्जेक्ट, तब कैथोड रे मूव करता है कैसे, अप द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए होलो स्फीयर ऑफ अ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, एक होलो स्फीयर जो होगा वो कभी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, कहाँ, इंटीरियर पॉइंट पे या आउटर पॉइंट पे या सरफेस पॉइंट पे या कहीं भी। ठीक है, तो इसका होगा इंटीरियर पॉइंट पे। इंटीरियर पॉइंट पे आप लोगों को पता होगा पूरा इंटीरियर पॉइंट में तभी बोला जाता है कि जब बिजली कड़क रही हो तो इट्स सेफर टू इनसाइड ए कार, क्योंकि वो एक होलो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा जहाँ आप लोग सेफ होंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए मीन चार्ज के इनसाइड जो होगा उसका जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज स्फीयर पी ऑफ रेडियस आर इज चार्ज पॉजिटिवली, इट इज मोमेंटली कनेक्टेड टू ए स्मॉल स्फीयर क्यू ऑफ रेडियस, द टू स्फीयर्स नाउ हैव सेम, क्या होगा, एक इज लार्ज स्फीयर पी जिसका रेडियस आर है उसका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर उसे कनेक्ट कर दिया जाए एक और स्मॉल स्फीयर से जिसका स्फीयर है स्फीयर क्यू है, ठीक है, ऑफ रेडियस उसका कर देते हैं, ठीक है, इसका एक रेडियस मान लो स्मॉल आर हो, टू स्पेयर हम नाउ हैव द सेम, क्या होगा दोनों स्पेयर का सेम, ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो दोनों स्पेयर का सेम क्या होगा, दोनों स्पेयर का सेम पोटेंशियल होगा, अगर एक बड़ा रेडियस ऑफ स्पेयर को छोटे रेडियस ऑफ स्पेयर जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको एक और एक स्पेयर से कनेक्ट किया जाए तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस टू क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अबाउट, व्हाट शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज शुड बी प्लेस्ड, तो दैट मीन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दो पॉइंट चार्ज, एक माइनस क्यू है एक प्लस टू क्यू है, दोनों को कैसे रखे, मतलब दोनों चार्ज है उस बीच में हम लोग एक पॉइंट चार्ज को रखना है, तो हम लोग किस पोजीशन पे रखे कि तीनों ही जो हो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, तो आप लोगों को बताना है। तो आंसर होगा एट ए पॉइंट ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, माइनस क्यू के लेफ्ट में हम लोगों को रखना होगा, तभी तीनों जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट, इनसाइड ए चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल विल बी, इनसाइड चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो होता है पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों को बताना होगा, कांस्टेंट होता है या प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है या नॉन ऑफ दिस होता है, आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर जो है कॉन्स्टेंट होता है, इनसाइड चार्ज जो है होलो कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल हमेशा भी कॉन्स्टेंट होता है, आप लोग नोट कर लीजिए या याद करते जाइए। Identify the set in which all the three materials are good conductor of electricity. आप लोग को बताना है कि इन सारे सेट्स जो है जैसे कॉपर, ठीक है, ये अलग अलग सेट्स जो है, इन सब सेट्स में कौन से सेट में जो है सारे जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे आप लोग के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बताना है। ठीक है, तो जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें ये तीनों ही, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सेंटर ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, किसी सेंटर ऑफ द कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ट्वाइस एज दैट ऑन द सरफेस होगा, हाफ दैट ऑन द सरफेस होगा, सेम एज दैट ऑन द सरफेस होगा, आप लोगों को बताना है। किसी इलेक्ट्रिक पोल के सेंटर में तो क्या होगा, सेंटर में सेम एज दैट ऑफ सरफेस में जितना होगा उतना ही सेंटर में होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताना है आप लोगों को एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगर होगा तो डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसका आंसर है, अब तो गेस कीजिए आंसर क्या होगा, नॉट रिलेटेड, क्योंकि इससे कोई रिलेशन इसका नहीं होगा डायरेक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू कंडक्टर्स हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, देयर वुड नॉट बी एनी चार्ज इन अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन देम इफ, अगर दो कंडक्टर जो है सेम टाइप ऑफ चार्ज कैरी किए हुए है उसे अगर एक वायर की तरह कनेक्ट कर दिया जाए तो नो चार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज, मतलब देयर क्या होगा, देयर वुड बी एनी चार्ज इन द अमाउंट ऑफ द चार्ज इफ, किस कंडीशन में होगा ये, ठीक है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा कंडीशन, वुड नॉट बी एनी चार्ज इन द अमाउंट ऑफ द चार्ज अंदर, किस कंडीशन में कोई चार्ज नहीं होगा आप लोगों को बताना है। फर्स्ट कंडीशन, दे हैव द सेम पोटेंशियल,
they have the same amount of the charge, they have the same, दोस्तों तो आप लोगों को बताना है कि अगर दो वायर से, ठीक है, दो कंडक्टर जो है सेम टाइप ऑफ चार्ज जो है उसे कैरी किए हुए है, उसे एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो किस कंडीशन में अमाउंट ऑफ द चार्ज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जीरो होगा। तो आप लोगों को बताना है कब, जब दे हैव द सेम पोटेंशियल, दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, दे हैव द सेम कैपेसिटी और दे हैव द सेम शेप, आप लोगों को बताना है। तो क्या होगा आंसर, दे हैव द सेम पोटेंशियल, जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा तो फ्लो नहीं होगा कोई चार्ज, क्योंकि हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल ही तो चार्ज फ्लो करता है, तो पोटेंशियल सेम हो गया तो कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमन बात, अ डिस्टेंस बिटवीन ए प्रोजेक्टर एंड ए स्क्रीन इज इंक्रीज्ड बाय 1%, ल्यूमिनस ऑन द स्क्रीन क्या होगा। डिस्टेंस अगर प्रोजेक्टर और स्क्रीन का 1% इंक्रीज कर दिया जाए तो ल्यूमिनस ऑन द स्क्रीन क्या होगा, मतलब स्क्रीन के जो ल्यूमिनस में उसकी उसके ल्यूमिनस मतलब चमक, चमक पे क्या क्या अंतर पड़ेगा, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो ल्यूमिनस जो है 1% डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिकुलर, वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, क्यों, इसका मॉलिकुल्स में क्या है जो एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाता है, न्यूट्रल है या हाई पोलर है या नॉन पोलर है या एनोड्स है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाने के लिए हमेशा उसके पोलर प्रॉपर्टी जरूरी होती है, तो हाई पोलर प्रॉपर्टी ही वाटर को एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग द प्लेट ऑन अ चार्ज कैपेसिटर अपार्ट, ठीक है, अगर जो कैपेसिटर के प्लेट्स होते हैं उसे दूर कर दिया जाए तो क्या अंतर पड़ेगा उसके कैपेसिटेंस पे, इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस, इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस या डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर प्लेट ऑफ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर को अपार्ट कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए तो क्या होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू स्पेयर ऑफ द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दो स्पेयर ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर अगर हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा या डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा, आप लोगों को बताना है। तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, बाय पॉइंट चार्ज, तो क्या इफेक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो होगा, द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द डायपोल मे बी जीरो होगा, या द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो होगा, या द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो होगा, आप लोगों को बताना। तो सही आंसर जो है वो है, अगर रख दिया जाए एक पॉइंट चार्ज को इस इलेक्ट्रिकल डायपोल में जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, तो वो जो टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड में भी जीरो होगा, में भी जीरो, ठीक है, जीरो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर रिसाइड्स इन, जो चार्ज कैपेसिटर का एनर्जी होता है वो कहाँ होता है, रिसाइड्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनली, द मैग्नेटिक फील्ड ऑनली, बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सही आंसर है बोथ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स बोथ और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटी रिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, देन इट्स डायमीटर वुड बी, अगर 1 माइक्रोफेरेड हो एक कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर, तो उसका डायमीटर कितना होगा। तो आप लोग सॉल्व करने के बाद आप लोग पता चलेगा कि वो डायमीटर जो है होगा 1.8 × 10⁴ मीटर। तो आप लोगों को जो सॉल्व करना है, आप लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है, पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटर, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि इसको सॉल्व करना है जो है फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा उससे निकाल देंगे आप लोग, ठीक है, डायमीटर उससे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप पता करना है कि चेक द करेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है, पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपन कैपेसिटी, चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल अपन कैपेसिटी, कैपेसिटी इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, या पोटेंशियल इक्वल टू कैपेसिटी इंटू चार्ज।
तो सही जो रिलेशनशिप है वो है पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द डायलैक्ट्रिक ऑफ द कंडेंसर जस्ट गेट पंचर्ड इज कॉल्ड, किस पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो है डायलैक्ट्रिक ऑफ द कंडेंसर जो होता है वो पंचर्ड हो जाता है, जस्ट पंचर्ड होता है। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ में, डायलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस में, या डायलैक्ट्रिक नंबर में आप लोगों को बताना। सही आंसर जो है वो है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आप लोग ध्यान से इसको नोट करते जाइए और एज मच एज पॉसिबल आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि प्रैक्टिस इज मैक्सिमम परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी आएगी, उतनी ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंस होंगे और उतने अच्छे से आप लोग एग्जाम हॉल में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल ऐसा हो गया है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते, कंसेप्टलाइज होते हैं, और बच्चे ज़्यादा टफ के सवाल में चक्कर में ईजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, सो आप लोग अपने बेसिक पहले स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद टफ की ओर जाइए, मेरी रिकमेंडेशन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एन 1 फैरेड इज ESU विल बी, आपको ESU में निकालना है 1 फैरेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, 3 × 10^9, 9 × 10^11, या 1/9 × −11, या 1/3 × 10। तो इसका क्या होगा, तो सही आंसर जो होगा 9 × 10^11 ESU में 1 फैरेड इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, आप लोग को बताना है, टंगस्टन में, कार्बन में, निक्रोम में, या प्लेटिनम में। सही आंसर जो है वो है कार्बन में, आपका जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल जो है, छोटे छोटे सवाल जो है रेलवे में, SSC JEE जो होते हैं उसमें, या वेजाग स्टेट्स के जो है जूनियर ट्रेनिंग के एग्जाम होने वाले हैं उसमें, या किसी भी जो स्टेट PSU होते हैं, PSC होते हैं उसमें, या छोटे छोटे जो PSU के एग्जाम होते हैं, सारे में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली, और बच्चे इन सवालों में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। सो आप लोग बार बार इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ इट कंडक्टेंस विल बी, अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो उसके कंडक्टेंस पे क्या अंतर पड़ेगा, आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को देखना है कि कंडक्टर के जो लेंथ और कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस के साथ लेंथ का क्या रिलेशनशिप है, तभी आप लोगों को इसका सही पता चलेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो डबल हो जाएगा, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हाफ कर दिया जाए तो उसका कंडक्टेंस डबल हो जाता है। द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, किसी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, या फर्स्ट ये पॉजिटिव होता है फिर न्यूट्रल हो जाता है, क्या होता है बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सर्किट कंडक्टिंग टू अनइक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसी सर्किट में अगर दो अनइक्वल रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाए पैरेलली तो क्या होगा, करंट इज सेम इन बोथ द रजिस्टर्स, और करंट इज लार्जर इन द लार्जर रेजिस्टेंस, द वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस द बोथ द रजिस्टेंस, और द वोल्टेज ड्रॉप इज लार्जर अक्रॉस द लार्जर रजिस्टेंस, क्या होगा आप लोगों को बताना है। अगर कनेक्ट किया जाए इस तरह एक सर्किट में तो अनइक्वल रजिस्टर को, एक बड़ा रजिस्टर एक छोटा रजिस्टर को पैरेलली, तो क्या होगा, द वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ द रजिस्टर। ठीक है, बड़ा रजिस्टर और छोटा रजिस्टर दोनों में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉलर देन द लार्जर रेजिस्टेंस होता है, लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होता है, या लार्जर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होता है, आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में किया जाए कॉम्बिनेशन तो वो क्या होता है, लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज़्यादा उसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट सीरीज था, मैं बहुत जल्दी ही बाकी सीरीज भी अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरा सीरीज पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों विश्वास रखिए कि अगर आप लोग बस मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करते जाएंगे तो आप लोग को जरूर सफलता मिलेगी,
और मैं एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके आप लोगों के हेल्प करूंगा। और प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, मन लगा के तैयारी कीजिए।